फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे पीएम किसान, किसान को 6,000 की जगह मिलेंगे 10,000 रुपये। कैसे मिलेंगे आपको इस वीडियो में फुल डिटेल बताएंगे। वीडियो को पूरी देखें लास्ट तक, आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। पीएम किसान 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने FM निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए बजट पेश करेंगे। इसकी तैयारी अंतिम अंतिम इस बार किसानों को लेकर सरकार का पूरा फोकस है। तीन कृषि कानून फार्मर के चलते दिल्ली की सीमा पर हो रहे किसान आंदोलन के बीच बजट में सरकार किसानों के हित में कई बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। खबर यह है कि पीएम किसान की 6,000 रुपये सालाना राशि को बढ़ा जा सकता है। तो आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ये योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी और इसके तहत साल के 3 बार 2,000 रुपये की किस्त के रूप में सालाना 6,000 रुपये केंद्र सरकार किसानों के खाते में भेजती है। ये फ़ायदा सभी किसानों को मिलता है। इस योजना के तहत अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर, मार्च की अवधि के खाते में पैसे आते हैं। तो इन महीनों के खाते में पैसे आते हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना में 11.47 करोड़ लाभार्थी हैं। तो 11.47 करोड़ लाभार्थी, 500 रुपये महीने की किस्त काफ़ी कम है। तो सरकार को किसानों के साल में 6,000 रुपये देती है और वो भी 2,000 2,000 रुपये की 3 किस्तें भी, यानी महीने में 500 रुपये ही किसानों को मिलते हैं। तो एक महीने में 500 रुपये किसानों को मिलते हैं। तो किसान का कहना है कि पीएम किसान योजना के तहत जो राशि मिलती है वो प्रति माह 500 रुपये है, जो काफ़ी कम है। 1 बीघे में धान की फसल लगाने पर करीब 3-3.5 हज़ार रुपये का खर्चा होता है और गेहूँ की फसल लगाने पर करीब 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। ऐसे में अधिक ज़मीन वाले किसानों के लिए 6,000 रुपये बहुत कम है सहायता राशि है। ऐसे में राशि इजाफा होना नहीं चाहिए ताकि खर्चा का पूरा किया जा सके। तो खर्चा का पूरा किया जा सके, माना है कि कृषि कानून के विरोध में जुटे किसानों को खुश करने का मकसद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले बजट में उनके हित में फैसला ले सकती हैं। खबर यह है कि सरकार किसान सम्मान निधि की सालाना मिलने वाली राशि 6,000 से बढ़ाकर 10,000 तक कर सकती हैं। तो 10,000 तक कर सकती हैं सरकार बढ़ा सकती है और 6,000 रुपये की राशि। तो एक केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 6,000 रुपये की किस्त में इजाफा कर सकती हैं। इस बार के बजट में किसान ने सरकार से ये मांग की है कि राशि खेती के लिए उपयुक्ता और इसमें इजाफा किया जाएगा। वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए बजट भी करीब 1.51 लाख करोड़ रुपये का, जो अगले वित्त वर्ष 2020 और 21 के बढ़ाकर लगभग 1.54 लाख करोड़ रुपये होगा। इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए अवरेड 2021 और 20 में करीब 1.40 लाख करोड़ रुपये का तुलना है और 2020 और 21 में बढ़ाकर 1.44 लाख करोड़ रुपये कर दिए गए हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 2019 और 20 में 9,682 करोड़ से बढ़कर 2020 और 21 में 11,127 करोड़ और पीएम फसल बीमा भी उपयोग हैं। तो आपने हमें कीमती समय दिया, कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो मिलते हैं, शुक्रिया।